क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज होने जा रहा है। बस थोड़ी देर में 1:30 बजे मैच शुरू होने वाला है। टॉस से ठीक पहले टीम न्यूज जो आ रही है वो बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे समय बाद दो खिलाड़ियों का यानी कि नए खिलाड़ियां बना रहे हैं उनका डेब्यू होने जा रहा है और दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कप्तानी केएल राहुल के पास है, उनकी बैटिंग पोजिशन को लेकर भी बड़ी खबर है और बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी बड़ा सरप्राइज यहाँ पर नजर आएगा। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं आज के मैच में भारत की टीम जिसमें कई चौंकाने वाले फैसले हैं। आप इस टीम को लेकर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो जोहानिसबर्ग के वांडर्स में मुकाबला खेला जाएगा और मैच आज हाई स्कोरिंग होने वाला है। 300 प्लस स्कोर बनेगा कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करे। तो ऐसे में आज भारत की टीम क्या होने वाले, सीधे सीधे पहले ओपनर्स की बात करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर टीम के साथ हैं, तो ऋतुराज ओपनिंग करेंगे और उन्हें पिछली T20 सीरीज में मौका नहीं मिला था। और ऋतुराज के साथ दूसरे ओपनर होंगे डेब्यूटेंट बी साई सुदर्शन। जी हां, अच्छा खेल करने के बाद दर्शन को टीम में लिया गया था, तो साई सुदर्शन यहां पर टीम के साथ ओपनिंग करेंगे। ऋतुराज के साथ ओपनिंग करने आएंगे और सुदर्शन का यहाँ पर डेब्यू होगा। नंबर 3 पर खेलने आएंगे तिलक वर्मा। जी हाँ, वैसे तो विराट कोहली यहाँ पर खेलते हैं लेकिन विराट टीम में है नहीं, तो तिलक वर्मा यहाँ पर खेलेंगे। और चौथे नंबर पर आएंगे श्रेयस अय्यर, जो कि लगातार टीम के साथ मौजूद है लेकिन हाँ उन्हें भी T20 सीरीज में मौका नहीं मिला था, मगर यहाँ पर उन्हें मौका मिल रहा है। नंबर 5 पर खेलने आएंगे केएल राहुल। कप्तानी उनके पास है, विकेट कीपिंग उनके पास है और सबसे बड़ी बात है राहुल ने अपना नंबर यानी कि बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल वही रखा है जिस पर वो विराट कोहली रोहित शर्मा के होते हुए खेलते रहे, यानी कि नंबर 5 पर ही केएल राहुल आएंगे और उन्होंने अब तय कर लिया है कि वो नंबर 5 पर ही खेलेंगे और टेस्ट सीरीज में भी अपना दावा ठोकेंगे कि वो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेल सकते हैं। नंबर 6 पर एक और डेब्यू होगा और यहाँ पर खेलने आएंगे रिंकू सिंह। जी हाँ, वनडे टीम में पहली बार शामिल किए गए रिंकू ने T20 सीरीज में जबरदस्त खेल दिखाया था, तो यहाँ पर रिंकू को डेब्यू करने का मौका मिलेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिग्गज संजू सैमसन टीम में है और उन्हें यहाँ पर बाहर बैठना होगा। संजू सैमसन को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि विकेट कीपर केएल राहुल मौजूद है, तो यहाँ पर फिनिशर के रोल में रिंकू सिंह होंगे। अब इसके बाद गेंदबाजों की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बड़े फैसले हुए हैं। अक्षर पटेल को टीम में लिया गया जो कि ऑलराउंडर होंगे, 7वें नंबर पर खेलने आएंगे क्योंकि जडेजा टीम में नहीं है। और दूसरे स्पिनर होंगे कुलदीप यादव। कुलदीप ने आखिरी T20 में जो धमाका किया था वो सभी ने देखा था, तो इसलिए यहाँ पर कुलदीप यादव टीम में मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि युजवेंद्र चहल भी टीम में मौजूद है, स्क्वाड में मौजूद है, मगर चहल को यहाँ एक बार फिर बाहर ही बैठना होगा, बेंच पर बैठना होगा। चहल के लिए अभी इंतजार लंबा खींचने वाला है। वहीं दूसरे एक और स्पिनर जो कि बाहर बैठेंगे वो है वॉशिंगटन सुंदर। लगातार उन्हें बाहर ही बैठाया जा रहा है और यहाँ भी सुंदर बाहर ही बैठेंगे। तेज गेंदबाजों की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बड़ा फैसला होने जा रहा है। अर्शदीप सिंह पेस अटैक को लीड करेंगे, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, अच्छी बॉलिंग करते रहे और उनका साथ देंगे मुकेश कुमार जो कि लगातार हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं। अब तीसरे तेज गेंदबाज के लिए यहाँ थोड़ी सी हल्की सी लड़ाई या कहें कि थोड़ा सा द्वंद हो गया, क्योंकि आवेश खान टीम में मौजूद है तो उनके खेलने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन हाँ, दीपक चाहर की जगह पर आकाशदीप जी ने लाया गया था टीम में, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो लिहाजा यहाँ पर एक गेंदबाज के साथ साथ बल्लेबाजी को मजबूत करने की अगर कोशिश होती है तो आखिरी मौके पर आकाश दीप को खेलने का मौका मिल सकता है, नहीं तो आवेश खान यहाँ पर खेलेंगे। तो कुल मिलाकर यही टीम यहाँ पर होने वाली है और आज के मैच में बड़ा धमाका हो सकता है क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए यहाँ पर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचना चाहेंगे, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि टेस्ट सीरीज में अपना जलवा दिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हर खिलाड़ी को अपना दमखम दिखाना है और वो चाहते भी हैं कि अपना दमखम दिखाएं। तो आप इस टीम पर क्या कहना है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।